गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डी अलम्बर टेस्ट जो था विद एग्जांपल टेस्ट एंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोची रूट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए कोची रूट टेस्ट एक चीज़ की इन्वेंशन कब होती है, जब वो एक पहले वाली चीज़ जो है उस कंडीशन में या उस केस में फेल हो जाए। ठीक है, तो कोची टेस्ट रूट जब हमारा डी अलम्बर टेस्ट काम नहीं करेगा तो कोची रूट टेस्ट कर देगा। तो देखिए क्या दे रखी इसकी स्टेटमेंट, तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट भी पूछ लेता है और प्रूफ के साथ भी पूछ लेता है। तो देखो प्रूफ के साथ भी आपकी बहुत बार पूछी गई है। इफ समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन, पॉजिटिव टर्म सीरीज है आपके पास, अगर हम उसकी ए एन की पावर एनथ टर्म की वन बाई एन के ऊपर लिमिट टेंड कराएं, और अगर हमारा एल देता है एन ट्रम की वन बाई एन पावर लगा के और लिमिट टेंड कराए, तो अगर वो वैल्यू क्या दे एल दे, तो देन हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर वो एल लेस है किससे वन से, और डाइवर्जेंट होगी अगर वन से ग्रेटर है एल। ठीक है, तो हमारे पास ए एन तो अभी तक हमने बनाया ही था, तो सिर्फ क्या करना है उसकी होल की पावर वन बाई एन और लगा देनी है, और उसके बाद हम उसको लिमिट एंड कराएंगे, और लिमिट एंड कराने के बाद हम ये देखेंगे क्या हमारे पास वो एल दे रही है वो एल वन से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट, और वन से छोटा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकंड केस में अगर हमारा लिमिट एंड कराने के बाद इन्फिनिटी दे, तो हमारी सीरीज जो है वो क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। ठीक है गाइस, तो देखिए सिंस हमने पहला केस ले लिया कि लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन होल की पावर वन बाई एन, किसको ले रही है एल को, तो लिमिट टेंड करा रही है, तो हम यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। तो लिमिट की डेफिनेशन लगाने के लिए हमें कोई स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, नंबर की पॉजिटिव इंटीजर की, वो हमने स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया। ठीक है, और एम ले लिया। ठीक है, और एक हमने एप्सिलॉन लिया, तो दिस माइनस में एल, ये माइनस में एल का मॉडुलस लेस होता है किससे, एप्सिलॉन से लेते हो। ठीक है, उसके बाद हम मॉडुलस की जो डेफिनेशन है वो खोलते हैं, ए माइनस में आर लेस है एक्स से, इस टाइप से आपने पढ़ा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल माइनस में, इसने एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया, कोई बात नहीं आप डायरेक्ट डाल दीजिए, एल माइनस में एप्सिलॉन लेस है किससे, ए एन की पावर वन बाई एन, और ये लेस होगा एल प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के लिए जो ग्रेटर इक्वल है किससे, एम से। तो इक्वेशन नंबर क्या ले ली हमने, फर्स्ट ले ली। अब देखिए हमारे पास अगर एल वन से छोटा हो एल वन से ग्रेटर हो तो क्या होगा, इस केस में अगर हम एल ले से ले किससे, वन से ले, हमने एप्सिलॉन को पॉजिटिव नंबर लिया, तो देखिए एल लेस होगा एल प्लस में किससे, एप्सिलॉन से, और ये चीज़ हमने किससे लेस ले रखी है, वन से, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, एल लेस है किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से, लेस है किससे, वन से, क्योंकि हमने वन से लेस ले रखी है। तो अब देखिए फ्रॉम वन से, हमने वन से इस रिजल्ट को डाल दिया ए एन, तो हमने ये उठा लिया यहाँ से, ए की एन की पावर वन बाई एन लेस है वन प्लस में एप्सिलॉन, और वन प्लस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन जो है लेस है किससे, वन से। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट उठा लिया। अब यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन की जगह हमने क्या डाल दिया, आर डाल दिया, तो ए एन वन बाई एन की पावर वन बाई एन लेस है किससे, आर से। आर आपका किसके बीच में लाई करा, जीरो और किसके बीच में लाई करेगा, वन के बीच में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि आपका एल जो है वो वन से लेस है, और एल वन से लेस है एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो ये चीज़ नेगेटिव तो है नहीं, तो जीरो और वन के बीच में ही तो लाई करेगी आपकी, तो जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों तरफ एनथ पावर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा आर की पावर एन। अब देखिए ए एन लेस है किससे, आर की पावर एन से, फोर ऑल एन के लिए जो ग्रेटर इक्वल है किससे, एम से ली। तो गाइज ये आपके पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है कि जो कंपैरिजन टेस्ट बन रहा है, बनना कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो है आर की पावर नाउ समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी आर की पावर एन बींग ए ज्योमेट्रिक सीरीज, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि कॉमन रेशियो रख रही है आर, और आर वो किससे लेस है, वन से लेस है, तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई सब कंपेरिजन टेस्ट ए एन बी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका तक का रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज दे रखी है, ये इस पर क्या है आपको इसी चीज़ को समझने और पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसकी एनथ टर्म पे वन बाई एन अगर लिमिट एंड कराएं
वन बाई एन पावर लगा के लिमिट टेंड कराए तो एल देता है, ठीक है। तो हमने ये बाई लिमिट जब लगाते हैं उसके डेफिनेशन को खोलते हुए मॉडल खोल दिया इसको, ठीक है। आफ्टर दैट क्या किया हमने, इसका मॉडल्स खोला। तो मॉडल्स खोला, ए एन की पावर वन बाई जो एन है वो किसके बीच में लाई करेगी, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है। एक बार हमने ले लिया एल लेस है किससे, वन से, तो एल वन से लेस है तो एल प्लस में एप्सिलॉन जो है वो भी किससे लेस होगा, वन से लेस होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है आपकी। तो ए एन की पावर वन बाई एन लेस है एल प्लस में एप्सिलॉन, इस वाले रिजल्ट को हमने उठा लिया। यहाँ पे आपके पास ये लेस है किससे, वन से, ठीक है। एल प्लस में एप्सिलॉन के लिए हमने कुछ वैल्यू रख दी आर, ओके। अब दोनों तरफ ये, या तो ये देख लो कि वन बाई एन था तो दोनों तरफ एन की पावर लगा दी, एन पावर लगा दी, तो ये कैंसिल हो जाएगा आर की पावर एन। तो देखिए ये किसको होल्ड कर रहा है, किसको फॉलो कर, कंपेरिजन टेस्ट लग रहा है आपको, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी जब ये हो। तो ये आर की एन है, ये आर की एन जी पी वन रहा है, तो आर की एन अगर इसका कॉमन रेशियो आपका वन, आर वन से लेस है तो ये आपके पास फाइन कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए इसका रेशियो वन से लेस है तो कन्वर्जेंट बन रही है, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट बन जाएगा। सेकेंड केस में आप लेते हो एल ग्रेटर है किससे, वन से, तो एल अगर वन से ग्रेटर है तो एल माइनस एप्सिलॉन करोगे वो भी आपका वन से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब इसमें इस टाइप का पहले भी हमने यूज़ किया था, अब ये वर्जेंट उठा लेंगे। तो एल माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर होगा किससे, ए की एन वन की पावर एन से होगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इस टाइप से बना के रख लिया, हो गया। इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, कैपिटल आर, वहाँ पे एल वाई प्लस एप्सिलॉन को भी हमने स्मॉल आर डाला था, ये कैपिटल आर डाल दिया। तो ए की एन की पावर वन बाई एन ग्रेटर है किससे, आर से, जो कि आर किससे बड़ा है, वन से, ठीक है। बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों तरफ एन पावर ली, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो है आपके पास ये आर की एन कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये आर ये तो आपका वन से बड़ा था, तो वन से बड़ा था, ये जी पी तो बन रही है आपकी, जी पी बन रही है, लेकिन कॉमन रेशियो वन से ग्रेटर ले रही, तो देन डेफिनेटली आप क्या कह सकते हो कि ये आपके क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो आपका ए एन भी क्या बन जाएगा, ऑल्सो डाइवर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो है कि बी पॉइंट जो है कि अगर आपका ए एन की पावर वन बाई ए एन की पावर वन बाई एन लिमिट का टेंड करे इन्फिनिटी आए तो आपका क्या हो, ठीक है। तो बी पार्ट के लिए हमने ले लिया सिंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए की एन वन बाई एन इन्फिनिटी देता है, तो आपके पास हमने कोई भी इंटीजर एम लिया, ठीक है, एन इंटीजर ले लिया और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो थोड़ी देर के लिए हमने ये ले लिया कि ये एम से, ये थ्री से बड़ा होगा किसी भी एम के, एन के लिए जो ग्रेटर है किससे, एम से, ठीक है। तो ए एन ग्रेटर हो किससे, थ्री से, के एन से। अब देखिए वो कंपैरिजन टेस्ट के फॉलो कर रहा है, लेकिन अब थ्री एन क्या है, जी पी है, कॉमन रेशियो क्या है, तीन है, जो कि वन से क्या है, बड़ा, तो वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर वो इन्फिनिटी के लिए टेंड कर रहा है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने तीन क्यों लिया, चार भी ले सकते हैं, पाँच भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे क्यों, क्योंकि भाई हमने वन और वन के लिए लेस और एक ग्रेटर तो दिखा दिया, तो हम उससे बड़ा ही कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए चलो एग्जांपल कर लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, आपके पास सीरीज दे दी, एन इज इक्वल टू टू से इन्फिनिटी वन अपॉन में लॉग लॉग की पावर एन सारे की। तो ए एन आपके पास ये है, हमें क्या ले लेना, ए एन की पावर वन बाई एन ले लेना, तो ए एन की पावर वन बाई एन लोगे, इस पर एन था वो कैंसिल, इन्फिनिटी लोगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, जो लेस है किससे, वन से, वन से लेस है तो भाई कुछ ही टेस्ट क्या लगा दोगे, दैट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैसन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन प्लस में वन बाई एन की पावर एन इन टू में एक्स की एन, और एक्स की एन है और एक्स जो है वो बड़ा है किससे, जीरो से। तो आपकी ए एन क्या है, ए एन को पकड़ लिया हमने, वन प्लस में वन बाई एन की पावर एन और एक्स की एन, ए एन की पावर वन बाई एन लगाओगे तो वन प्लस में वन बाई एन इन टू में एक्स, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से इनकी पावर हट गई, अब लिमिट लगाया, तो लिमिट लगाने के बाद वन प्लस में वन बाई एन, तो ये आपके पास वन बन जाएगा लिमिट लगाओगे तो, और एक्स बच गया। अब बाई कोची रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये हम एल मानते हैं, तो ये एल अगर वन से छोटा होता है तो आप क्या लेते हो, आपकी सीरीज कन्वर्जेंट, ग्रेटर होती तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स है तो
एक्स अगर छोटा होगा वन से तो कन्वर्जेंट, और ब्रेड बड़ा होगा वन से तो डाइवर्जेंट। और एक्स इज इक्वल टू अगर वन आ जाए तो केस हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो केस फेल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि ये केस फेल वाला जो रिजल्ट है हम एक ही एन में डालेंगे। एक ही एन में डाला, एक ही एन इज इक्वल टू वन प्लस में वन बाई एन की पावर एन बन गया। लिमिट डाल दी दोनों तरफ, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। ये आपके पास क्या बनता है, ये आपको रिजल्ट याद रख लेना कि वन प्लस में वन बाई एन की पावर एन है, और अगर इस पर लिमिट टेंड कराए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपका ये ई बनता है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जो वो पढ़ के आए हैं हम थ्योरम कि nth टर्म अगर जीरो को टेंड करती है तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट वही वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी जब आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। तो गाइज हम क्या करेंगे, हमारी अपनी जो सीरीज है ना उसको वो कर देंगे, इसके जो रिजल्ट है कि x इज इक्वल टू वन है जब डाइवर्जेंट है, x बड़ा है वन से तो डाइवर्जेंट, तो दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज दे रखी है वन बाई टू, टू बाई थ्री, एक्स थ्री बाई फोर, तो नीचे से ऊपर इस टाइप से बढ़ रही है, तो nth टर्म आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है उसको लीव कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास बाकी टर्म से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो फर्स्ट वाला एक्स नहीं है, तो उसकी वजह से हमें nth बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो an आपके पास क्या बन जाएगा, n प्लस वन अपॉन में n प्लस टू होल की पावर n इंटू में x की पावर n, दोनों तरफ वन बाई n लिया तो n प्लस वन अपॉन में n प्लस टू इंटू में x। ठीक है, n कॉमन ले लिया तो वन प्लस में वन बाई n अपॉन में वन प्लस में टू बाई n इंटू में x ले लाया। लिमिट डालोगे ये तो वन बन गया इंटू में एक्स, तो बाई कोची रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो, अगर एक्स लेस है वन से तो कन्वर्जेंट, और एक्स ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट, और एक्स आपका वन के इक्वल है तो किस क्या हो जाएगा, फेल। तो एक्स इज इक्वल टू वन हमें किस में डाल देना है, ए एन में डाल देना है। तो ए एन में डालोगे हमारे पास ये विदाउट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही वाला रिजल्ट हम यहाँ से उठा लेंगे वापस, लेकिन इसमें होल की पावर क्या है, एन है। अब ये आपके पास रिजल्ट बनता है कि अगर यहाँ पर एन है वन है तो होल पे भी वन हो। ठीक है, मतलब ये पावर सेम हो। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा वन बाई एन का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वन प्लस में टू बाई एन, तो होल के ऊपर इसका उल्टा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाए, एन एन बाई टू हो जाए, लेकिन हमारे पास खाली क्या है, एन। तो एन बाई टू लाने के लिए हमने टू से मल्टीप्लाई, और टू से क्या कर दिया, एन को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला हमने इसके साथ रख दिया और मल्टीप्लाई वाला बाहर रख दिया। अब देखिए ये चीज़ क्या ले सकते हो, ई बनेगी आपके पास, अगर टू बाई एन है वन प्लस जो भी है होल के ऊपर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका वो हमेशा ई बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ई बना, ई की पावर टू, और ऊपर हमारे पास क्या है, ई है, और ये हमारा e की पावर टू, तो वन बाई ई बन गया, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। और nth टर्म के हिसाब से कि अगर आपके nth टर्म जो है वो जीरो को टेंड करती है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट, तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट। और हमने दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।